الله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا محمد سجد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آلي سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد وبارك وسلم يا هم سب کے لئے नहायत मसरत और शहादत का मौक़ा है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी मजलिस में अपने घर में बैठने की तोफ़ी अता फरमाई है जहाँ हमारे चंद बच्चों ने और अच्छी खासी तादाद में बच्चियों ने तालीम का एक मरहला मुकम्मल किया है तालीम के बग़ैर इंसान इंसान नहीं बनता इंसान में और दूसरे तमाम जानवरों में ये बुनियादी फर्क़ है इल्म की ज़रूरत तो हर मखलूक को है हती कि बेजान मखलूक को भी की ज़रूरत है रहनमाई की ज़रूरत है कि आप अपने मोबाइल में टच मोबाइल में कभी इधर टच करते हैं कभी इधर टच करते हैं ये आपकी जानिब से उसके लिए रहनमाई होती है कि इस वक्त में ये काम करना है इस वक्त में ये काम करना है हर मखलूक को अपना काम अंजाम देने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत है इस रहनमाई के दो तरीक़े हैं कभी ये रहनुमाई इन बेल्ट होती है अंदर से मिल रही होती है कभी ये रहनुमाई बाहर से मिलती है जितने जानदार हैं और जितनी मखलूब हैं अल्लाह ताला ने उन सब के लिए अंदरूनी रहनुमाई का इंतज़ाम फरमाया है उनके डीएनए में अल्लाह ताला ने सारी रहनुमाई महफूज़ फरमा दी है इंसान के लिए अल्लाह ने तकसीम किया है इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी रहनुमाइयाँ वो हैं जिनका इंसान को पता भी नहीं चलता और उसको मिलती रहती है बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है फिर वो बड़ा होता रहता है उसका कद भी बढ़ता रहता है और सारी ज़िंदगी नहीं बढ़ता रहता अगर इंसान का क़द सारी ज़िंदगी बढ़ता रहे तो ये ऊँची ऊँची छतें छोटी हो जाएं, सर टकराने लगें एक हथ पर जाकर रुक जाता है ये रहनुमाई कहाँ से मिलती है छोटे बच्चे की हड्डियों को कभी नाप करके देखें और अपनी हड्डियाँ देखें और फिर अंदाज़ा लगाएं जब हम पैदा हुए थे तो हमारी भी इतनी इतनी हड्डियाँ थी जिसम की एक हड्डी जितनी बड़ी है जब हम पैदा हुए थे तो हमारा पूरा जिसम इतना बड़ा नहीं था एक पिंडली की हड्डी जितनी बड़ी है जब बच्चा पैदा होता है तो शायद पूरा बच्चा इतना बड़ा नहीं होता तो ये रहनुमाई उसे कहाँ से मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से मिल रही होती है लेकिन उसका बाहर से कोई इंतज़ाम नहीं होता हमारे बाल कुछ दिनों तक काले रहते हैं फिर सफ़ेद हो जाते हैं ये काला कलर उनको मिलना होता है फिर मिलना बंद हो जाता है इसकी भी तो रहनुमाई अल्लाह की तरफ से मिलती है हम खाना खाते हैं उस खाने में कितने अज्जा हैं उन सारे अज्जा को अलग अलग करके मैदे को कहाँ कहाँ भेजना है और फिर जिसम के किन किन आज़ा को उन्हें इस्तेमाल करना है और कितना जिस्म में महफूज रखना है कितना बाहर निकाल देना है ये काम भी तो रहनमाई के बग़ैर नहीं हो सकता ना लेकिन अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिल रही है इंसान सोच भी नहीं पाता उसे पता भी नहीं लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को हालत इम्तहान में पैदा किया है उसकी पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड हो रही है उसके अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं और अल्लाह के पास जाकर उसे हिसाब देना है तो उसकी ज़िंदगी के वो सारे काम जिनका ताल्लुक़ उसके इम्तिहान से उसके कद का उसके रंग का उसकी सेहत का उसके छोटे बड़े होने का उसके दुबले और पतले होने ताल्लुक इम्तिहान से नहीं है लेकिन उसकी नेकियों का उसकी बुराइयों का उसके खैर का उसके शर का उसकी अच्छी बुरी सोच का और अच्छे बुरे अमाल का और अच्छे बुरे अखलाक का ताल्लुक चूँकि उसके इम्तहान से इसलिए अल्लाह ताला ने उस सिलसिले की रहनुमाई उसको अंदर से नहीं दी है अंदर से जो रहनुमाई होती है उसमें इख्तियार नहीं होता जिस चीज़ को अंदर से रहनुमाई मिलती है वो चीज़ मजबूर होती फ़र्क महसूस करें आप दुनिया में बहुत सारे मुहाजिर परिंदे हैं जो एक आजम से दूसरे आजम और बसा औका तीसरे ब्र आजम तक जाते हैं बास परिंदे हैं जो तकरीबन पूरे कुरे अर्जी का चक्कर लगाकर जहां से चले थे वहीं वापस हो जाते हैं अल्लाह ने उनके रूट मुकर किए हुए हैं वो उसी रूट से जाते हैं उसी रूट से वापस आते हैं उनमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती उनमें कभी कोई इहराफ नहीं होता उनमें कभी दलाल नहीं होता कि वो भूल जाएं, बहक जाएं, कहीं और चले जाएं। उनको कहाँ से समंदर पार करना है किन जंगलों को पार करना है कहाँ रुक कर आराम करना है कितनी रफ्तार से चलना है हती कि उड़ते हुए किस तरह उनको अपनी एनर्जी बचाना है आपने देखा होगा जब परिंदों के काफिले हवा में फिजा में उड़ते हुए नजर आते हैं तो वो हमेशा वी शेप में उड़ते हैं। कहीं उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई होती कि वो वी शेप में उड़े इसलिए कि वो वी शेप में उड़ने में और थोड़ी थोड़ी देर में उनमें से हर परिंदा अपनी जगह बदलता रहता है एक बीच में आ जाता है एक किनारे चला जाता है फिर ये बीच में आ जाता है फिर ये किनारे चला जाता है ये उनका एनर्जी सेवर सिस्टम है इस तरह वो कम एनर्जी ख़र्च करके ज़्यादा फ़ासला तय कर लेते हैं लेकिन कभी इसके ख़िलाफ़ नहीं करते हमारे यहाँ कितनी कोशिशें हो रही हैं आजकल, ऐसे ए बन रहे हैं ऐसे फ्रिज बन रहे हैं जिनमें एनर्जी कम खर्च हो किरण कम खर्च हो काम ज़्यादा हो इंसान कितनी कोशिशों में लगाओ अल्लाह ताली ने उनकी रहनुमाई फरमाई है तो कभी परिंदे अपना रूट चेंज नहीं करते इसलिए कि उनसे इसका सवाल ही नहीं होना है कि तुमने सही रोड में उड़ान भरी थी या नहीं भरी थी और वो रोड चेंज करने की में भी, भी नहीं है उनको अंदरूनी तौर पर रहनुमाई मिल रही है रहनुमाई उनके डीएनए में महफूज कर दी गई है वो उसी के मुताबिक काम करते हैं बे ही यही काम हवाई जहाज़ के एक पायलट को करना होता है उसके भी रोड मुतन है उसको अपने रोड पर चलना है लेकिन उसको अपने रोड की रहनुमाई बाहर से मिलती है इसलिए उसके लिए हर वक्त इसका इम्कान है कि वो सही रोड पर चले या भटक जाए गलत रोड पर चला जाए जो बाहर से रहनुमाई मिल रही होती है उसमें अमल करने वाले के लिए गलती का इम्कान हर वक्त रहता है जो अंदर से रहनमाई मिल रही होती है उसमें गलती का कोई इम्कान नहीं रहता जो अंदर से रहनुमाई मिलती है और जिसमें गलती का कोई इम्कान नहीं होता उसको क़ुरान की ज़बान में तस्खीर कहते हैं और जिसमें बाहर से रहनुमाई मिलती है और अमल करने वाले के लिए गलती का इम्कान होता है उसको कुरान की ज़बान में हिदायत कहते हैं तो रहनुमाई की हर मखलूक को ज़रूरत है बाज की रहनुमाई तस्खीर की शक्ल में है जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वार लकुम वन नहार। वा वल बन वारा लक नहारुम कुमा सल तुमो व इनता चाँदो सूरत को भी रहनमाई बन रही है चाँदो सूरत भी पाबंद है उस निज़ाम के जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकरर फरमाया है लेकिन अल्लाह ने उस निज़ाम को तस्खीर फरमाया है कि अल्लाह ने और सूरज को तुम्हारे लिए मुशर कर दिया है तुम्हारी खिदमत का पाबंद बना दिया है दिन और रात के निज़ाम को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुशक्र कर दिया है यही तस्हीर है जिसकी वजह से हम पेशन गोई कर पाते हैं कि आज कलकत्ता में सूरज इतने बजकर इतने मिनट पर डूबेगा पहले से मालूम है ना आज शाम में सूरज कितने बजे डूबेगा इसकी पेशन गोई की जा सकती है लेकिन इमाम साहब मस्जिद में कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड में दाखिल होंगे उसकी कोई पेशन गोई कर सकता है हो सकता है एक आध सेकंड आगे पीछे हो जाए हो सकता है एक आध मिनट आगे पीछे हो जाए वो इंसान है इंसान से गलती का इम्कान है बाकी मखलूक से गलती का इम्कान नहीं रहता इसलिए कि उनकी रहनुमाई तस्करी है और ये फ़र्क भी अल्लाह ताला ने किया है अपनी हिकमत के मुताबिक ये फ़र्क नहीं है ये फ़र्क अल्लाह ने इसलिए किया है कि अल्लाह ताला को बाकी मखलूक का इम्तिहान नहीं लेना उनसे काम लेना है जब तक अल्लाह चाहेंगे उस वक्त तक वो अपने काम में लगी रहेगी सारी मखलूक और जब अल्लाह चाहेंगे उसको ख़त्म कर देंगे उसकी जगह पर अल्लाह तला दूसरे मखलूक पैदा फरमाती है मतबत दल और दीव समावत व बरदूलवादिलकार अल्लाह ज़मीन से के बदले दूसरी ज़मीन पैदा कर देंगे आसमानों के बदले दूसरा आसमान पैदा कर देंगे और सारी मखलूक को सारे इंसानों को अल्लाह तला अपने सामने जमा कर देंगे सब हाजिर हो जाए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया सारी रहनुमाई जिसका रिश्ता जिसका तल्लुक़ उसके इम्तहान से उसका अल्लाह ने बाहर से इंतजाम किया बाहर से इंतज़ाम इस तरह किया कि अल्लाह ताला ने उसके लिए किताबें नाजिल फरमाई और अंबिया के राम को महोज फरमाया और सैदना मोहम्मद रसोल सल्लाम चूँकि खातमीन है आप के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और रहनुमाई की ज़रूरत इंसान को कयामत तक हर सांस और हर आन है इसलिए अल्लाह ताला ने यह इंतज़ाम फरमाया कि अब आपके वारिसीन इस उम्मत के ऊलमा इंसानों की वही रहनुमाई करेंगे जो रहनुमाई पहले इंसानों की अम्बिया कर राम अलहलात किया करते थे इसीलिए आपने इर्षात फरमाया उम्मती का अम्बियाई बनी इसवाई रसूल अक्रम सला व्म ने इसका निज़ाम फरमाया इंतज़ाम फरमाया बायद अल्लाह की किताब को पढ़ाने का इंतज़ाम किया अल्लाह के आकाम को समझाने बतलाने और उसकी रहनुमाई में इंसानों की तरबियत करने का इंतज़ाम किया और सबसे पहला इदारा जो रसूल अक्रम स ने अपनी ज़ेर निगरानी अपनी मस्जिद में काम फ़रमाया व सफ़ जिसके तलबा को असाब सफ़ा कहा जाता है वहाँ तलबा रहते थे और रज़ोर अक्रम सल्ला वसलम से दीन सीखते थे और आन पढ़ते थे आपके मुबारक अकवाल को याद फरमाया करते थे उसी मदरसे के एक नहायत अज़ीम व जलील तलब इल्म थे सैदना अबू हुररा रज़ी अल्लाह तू जिनसे सबसे ज़्यादा रज़ुल अक्रम सम के अकवाल और अफ़ल मनकूल हैं आपने खतिन के लिए भी तालीम का बाकायदा इंतजाम फरमाया उसी मदरसे खुतिन की एक मुमताज़ तालिबा थी मोमिनीन सदा आयशा सिद्दीक रजी ताला अन्हा जिनसे उम्मत को दीन का बहुत बड़ा हिस्सा सीखने को मिला और चूँकि इंसानों की हिदायत का दारदार है इस तलीम पर इसलिए रसूल अक्रम सम ने तालीम की अहमियत को बतलाने के लिए और जो लोग तालीम का ये काम अंजाम देते हैं उनका मकाम व मरतबा बतलाने के लिए अपनी ज़ात को शामिल करके शादात फरमाया इन नमा बो मुअल्लिमा भाई मैं तो दुनिया में आया ही हूँ उस्ताज बनकर तो का क्या मकाम है तालीम देने वालों का क्या मकाम है इसको वाज फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मुबारक फरमान के जरिए सिर्फ अल्लाह की किताब काफी नहीं होती उसको पढ़ाने की ज़रूरत होती है उसको समझाने की ज़रूरत होती है उसके मानी और मतालिब बतलने की ज़रूरत होती है ख़ुद रसूल अक्रम सला वसलम को इसकी ज़रूरत थी कि जिस तरह अल्लाह ताल ने आप पर अपनी किताब ना फ़रमाई अल्लाह ही आपको उसके वो मानी और मतलब भी बतलाएँ जो आनी और मतालबी इंसान तन्हा अपनी ी गोफ़िक्र से नहीं समझ सक इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अलैना इ व जमा हु वुराना फ़िज़ा क़रना ثم वुराना अलैना बयान आप बिल्कुल मतमैन रख रहें हम इसकी हिफाज़त करेंगे हम आपकी ज़बान मुबारक से इसको पढ़वाएंगे हम आपको भूलने नहीं देंगे और इसके मानी और मतालब भी हम ही आपको समझाएंगे अल्लाह ताला ने क़ुर पाक के जो मानी और मतालिब रसूल अक्रम सला वसम को बतलाए रजूलकरम सल वसम ने उम्मत को कभी वो मानी समझाए अपने अल्फाज के ज़रिए और कभी वो मानी समझाए अपने आमान के ज़रिए रज़ूकरम सलाह वसम ने अल्लाह ताली के जिस हकम पर जिस तरह अमल करके बतलाया वोल ही उस हुक्म की तशरी है जैसे अल्लाह ताला ने तरमाया वाकई कायम करो कैसे नमाज कायम करे किस तरह नमाज पढ़े कौन सा अमल पहले करें कौन सा अमल बाद में करें किस किस वक्त पढ़ें और किस वक्त में कितनी रकत पढ़ें यह सारी तफसीलात अल्लाह ताला ने तुरने पाक में नई बयान फरमाई इनमें से बाज़ तफसीलात वो हैं जिनको अकरम एकरम अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया और बास तफसीलात वो हैं जिनको अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया चाहे ज़बान से ना फरमाया हो लेकिन आपने करके दिखाया पहले पयाम करना है फिर रुको करना है फिर सजदा करना है फिर तशाऊ में बैठना है फिर सलाम फेरना है फजर में दो रकात पढ़नी है जोहर में चार रकात पढ़नी है असर में चार रकात पढ़नी है मग़रब में तीन रकात पढ़नी है ईशा में चार रकात पढ़नी है ये सारी नमाजें अल्लाह के नबी सल वसलम ने पढ़ करके दिखाई अल्लाह तला ने हुक्म दिया कि जो साहिब इस्तात है उस पर हज फ़र्ज है वो आए और अल्लाह के घर का हज करे लेकिन हज किस तरह करे इसकी पूरी तफसील नहीं मालूम नहीं कहीं कहीं अल्लाह ताली ने कुछ तफसीलात की तरफ़ इशारा फरमा दिया मिन हई तो वफ़िर सब लोग वहीं जाया करो जहाँ बकिया लोग जाते हैं यानी सब अरफ़ात जाया करो फ़ैजद आफस्त मिन आरफात इन फ़तला हिंदमश हराम जब अरफ़ात से वापसी हो तो अल्मर हराम यानि बसदलफा में रुक करके भी थोड़ी देर अल्लाह को याद किया करो लेकिन ये थोड़ी देर किस वक्त फ़जर से पहले या फजर के बाद इस सब को अमली तौर पर सिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसी हज के मौके पर आपने इशाद फरमाया खुद अन्नी मना सिखा लोगों हज का तरीका मुझसे सीख लो यानी जो मैं कर रहा हूँ यही हज का तरीका है यही अल्लाह के हुक्म का मतलब है तो उम्मत कुरान की भी मोहताज हो गई हदीस की भी मोहताज हो गई और कुरान और हदीस का जो निचोड़ है जो खुलासा है गौर वफ़िक्र के बाद जिस चीज़ तक पहुँचे हैं जिस नतीजे तक पहुँचे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा अमल पहले का है कौन सा अमल बाद का है कौन सा अमल नासिक है कौन सा अमल मनसूख है कौन सा अमल राज है कौन सा अमल मरजू है उस उम्मत के मुस्दीन जिन नतज तक पहुँचे हैं उन्हीं के मजमू गांव फ़ा है तो कुरान हदीस पर अमल करने के लिए उम्मत फ़ि की भी मोहताज हो ये सब कुछ सीखने सिखाने के लिए मदारिस की ज़रूरत होती है इस तालीम की मर्दों को भी ज़रूरत है औरतों को भी ज़रूरत है इससे मुस्तनी कोई नहीं है लेकिन औरतों को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसलिए कि औरत को अगर तालीम नहीं हासिल होगी अगर औरत दीनदार नहीं होगी तो नस्लें दीनदार कैसे बनेंगी बच्चे का पहला मदरसा तो माँ की गोद है वो पहली तालीम माँ की गोद में हासिल करता और माँ को हर बात कहनी नहीं पड़ती माँ जो चीज़ बच्चे को अमलन सिखाती है बच्चा उसका आदि हो जाता मुझे याद आया छोटा सा बच्चा वो गया हुआ था एक मकाम उसके चचा ने मस्जिद से निकलते हुए उसको चप्पल पहनानी चाहिए सैंडल लेकर के उसका नाम लेकर के कहा बेटा चप्पल पहनू तो वो नीचे झुका और चचा ने बाएं पैर में चप्पल पहना उसका पैर पीछे खींच लिया फिर उसके चचा ने कहा कि बेटा चप्पल पहनू उसने कहा पहनाइए फिर जो पहनाना चाहे फिर पैर पीछे खींच लिया तो चेचा ने हैरत से कहा तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे तो उसने कहा चाचा पहले इसमें पहनाइए ना वो इतना छोटा सा बच्चा उसे नहीं मालूम दाहिना क्या है बाया क्या है उसे नहीं मालूम कि यह तरीका किसने सिखाया है तो बड़े होकर के जानेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है माँ तो की तरबियत है माँ ने उसको हमेशा पहले दायने पैर में चप्पल पहनाई फिर बाएं पैर में चप्पल पहनाई और हमेशा पहनाते हुए उसको सिर्फ ये कहा बेटा पहले इसमें पहनना चाहिए फिर इसमें पहन उसके जहन में बैठ गया उम्मत में नस्लों की ये तरबियत कौन करेगा बाप तो अपना कारोबार करेगा बाप तो अपनी मुलाजमत करेगा बाप तो बाहर के काम देखेगा घर की जिम्मेदारियां संभालेगा ये काम तो माँ करेगी ना उसके लिए ज़रूरी है कि माँ के पास इल्म हो माँ ये काम बसीरत के साथ करे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मस्जिद के ज़िम्मेदारों को कि उन्होंने बच्चियों की तालीम के लिए इंतज़ाम किया है अल्लाह करे कि ऐसा इंतज़ाम पूरे मुल्क की हमारी हर मस्जिद में हो ये रहनुमाई है जिसका इंतज़ाम अल्लाह ताली ने बाहर से किया है इसी को हिदायत कहते और अगर बाहर से रहनुमाई न होती तो इंसान का इम्तिहान नहीं हो सकता था देखें किसी के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं किसी के बाल देर तक सफ़ेद होते हैं क्या इस बुनियाद पर किसी को जन्नत में या जहनम में भेजा जाएगा तुम्हारे बाल इतनी उम्र में सफ़ेद हो गए थे तो तुम बहुत नेक आदमी थे और तुम्हारे बाल इतने दिनों तक काले रहे तो तुम अच्छे आदमी नहीं थे या इसका उल्टा हो कि जिसके बाल ज़्यादा दिनों तक काले रहे वो बहुत नेक आदमी नहीं इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है नेकी से और बुराई से ये अल्लाह की तकसीम है क्या इस बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे कि किसका कद ऊंचा था किसका कद नीचा था क्या इस बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे कि किसका रंग गोरा था किसका काला था कौन कहाँ पैदा हुआ था किस कौम में पैदा हुआ था किस नस्ल में पैदा हुआ था किस खानदान से ताल्लुक़ रखता था कौन सी जबान बोलता था नहीं कुछ भी नहीं वह जानना कुम शरूब हुआ कबाला तैयार हो ये तो सिर्फ पहचान के जराए हैं हमने खानदान और कौमें इसलिए बनाई हैं ताकि लोगों को आपस में पहचाना जाए इनकुम अल्लाह के आम मकाम मरतबा तय होगा तकवे की बुनियाद पर और तकवा इंसान का इख्तियारी अमल है तकवा इंसान का गैर इख्तियारी अमल नहीं है नस्ल खानदान, खानदानम इलाका मुल्क जबान रंग ये सब इंसान के गैर इख्तियारी अमाल हैं इन पर तो कोई फैसला नहीं होगा अल्लाह किया लेकिन तत्वा इंसान का इख्तियारी अमल है और इख्तियार उसी वक्त मुमकिन है जब रहनुमाई बाहर से मिले इसलिए अल्लाह ताला ने बाहर से इस रहनुमाई के ये क़रआन जिसको अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु पर नाज़िल फ़रमाया ये इतना अजीम है इतना बुलंद कलाम है और इतना वज़नी कलाम है कि अल्लाह ने इर्शाद फरमाया कि अगर हम किसी पहाड़ पर इसको उतार देते तो पहाड़ इसके वज़न को बर्दाश्त न कर सकता इसका वज़न मानवी भी है और ज़ाहरी भी है ये अल्लाह ताला का खास करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत के लिए इसके जाहिरी वजन को उठा लिया है अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जाहिरी वजन को भी शिद्दत से महसूस फरमाते थे जबकि आपके लिए भी वो काफी हल्का कर दिया जाता था उसके बावजूद आप बड़ी शिदत से महसूस ये जो मैंने जुमला कहा कि आपके लिए हल्का कर दिया जाता था इसको एक मिसाल से समझें एक आदमी को आप खुली फिजा में हाथ में उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते लेकिन पानी में तैरते हुए उसको उठाना चाहे तो उठा सकते हैं हैं कुछ किसी ने तैराकी की है तजर्बा है बंगाल वालों को तो तैराकी का खूब तजर्बा होगा ना तो पानी के अंदर हम लोग बचपन में खेलते थे अपने दोस्तों को पानी के अंदर यू उठा लेते थे पानी के ऊपर नहीं उठा सकते क्यों पानी की वजह से वजन हल्का हो जाता है लेकिन बाहर हाल होता है कुछ ना कुछ उठाए तो संभलता है वरना नीचे चले जाए। तो इसकी मिसाल सामने आ गई ना कि किसी चीज के वजन को कहीं कम किया जा सकता है अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस क़ुरान के वजन को बहुत कम कर दिया था उसके बावजूद ये हाल था कि सख्त सर्दी के ज़माने में मदीना तैयबा तो में जो सर्दी होती है वो कभी कभी सिफर टेम्परेचर तक भी पहुंच जाती है वरना तीन चार पाँच आम तौर से होती है तेज़ सर्दी के ज़माने में जो लोग सख्त सर्दी के ज़माने में मदीने गए हैं है, उनको तजर्बा होगा वहाँ की गर्मी भी बहुत शदीद होती है वहाँ की सर्दी भी बहुत शदीद होती है अगर तीन और चार टेम्परेचर हो या पाँच टेम्परेचर हो तो क्या हाल होता है आपके यहाँ कम से कम टेम्परेचर कितना होता है बस दस बारह से कम ने हमारे यहाँ यूपी में कानपुर वग़ैरह में आमतौर से सात आठ होता है तो हालत ख़राब होती है मोटे मोटे कंबल कम पड़ते हैं हीटर लगाने पड़ते हैं तो अंदाज़ा लगाइए मदीने की सर्दी कैसी होती है गज् अज़ाब में जब साहब कराम बयान फरमाते हैं कि हमारे दाँत से दाँत टकराते थे दाँत बजते थे वैसी ही सर्दी थी उस सर्दी के ज़माने में जब हज़ूर अक्रम सल वसम पर कुरान नाजिल होता था तो आप पसीना पसीना हो जाता आपके चेहरे से पसीना बहने लगता हजरत साहब एक आराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सवारी पर तशरीफ़ फरमा होते थे ऊँटनी पर आप बैठे होते थे और ऊँटनी बहुत मजबूत होती है दो तीन आदमी भी बैठ जाए तो उसे पता नहीं चलता आप तन्हा उठनी पर तशरीफ फरमाए और अगर वही नाजिल होने लगी और आन उतरने लगा तो ओटनी की पीठ इतनी झुकने लगती थी कि साहबा फरमाते हमें डर लगता था कि कहीं इसकी कमर की हड्डी न तोड़ जाए एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि कुर पाक नाजिल होने लगा तो ओटनी बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी थोड़ी देर तक अपने को सम्भाले सम्भाले रही और फिर बैठ गई धमीन ताकि उसको नीचे ज़मीन का सहारा मिल जाए। तौर से जब सफ़र होता था अरब में और जिन लोगों ने रेगिस्तानों का सफ़र किया है कम से कम मक्के से मदीना मदीने से मक्का आने जाने को तो तजर्बा होगा और कहीं कहीं रास्ते में रुकना भी होता है इसतंजा के लिए वज़ू के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो बाहर निकल कर के देखा होगा कैसा सहरा होता है छोटी छोटी झाड़ियाँ होती ऊँटों पर सामान लदा होता था अगर थोड़ी देर के लिए आराम करना है तो कोशिश होती थी कि सामान उतारना ना पड़े वरना एक मरतबा खोलना फिर नादना अनलोडिंग और लोडिंग उसमें बहुत वक्त ख़राब होता था छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थी कभी झाड़ी के ऊपर एक कपड़ा डाल देते थे ताकि साया थोड़ा सा और घना हो जाए और उसी के नीचे कुछ बिछा करके थोड़ी देर आराम कर लेते थे तो एक मरतबा एक सफ़र में थोड़ी देर आराम करना था तो नबी अकरम अलैहि वसल्लम आराम के लिए जब लेटे तो एक सहाबी ने अर्द किया कि हुजूर मेरी रान पर आप सर रख लीजिए इसको तकिया बनाकर आराम फरमा लीजिए कहाँ तकिया उतारे हैं कहाँ गद्दा उतारे हैं बस वो बैठ गए नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने रान पर सर लिया हुजूर का सर फूल जैसा हुजूर आराम फरमाने लगे आँख बन करके गालिबन आँख लग गई या अभी नहीं लगी आप आँख बन किए हुए थे अचानक वही का नज़ूल शुरू हो गया वो सहाबी कहते हैं जब वही नाजिल होने लगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर वज़नी होने लगा तो मुझे थोड़ी देर में यह डर लगने लगा कि शायद मेरी रान की हड्डी टूट जाएगी वो तो बस थोड़ी ही थोड़ी सी नाजिल हुई होगी कोई छोटी सी आयत नाजिल हुई होगी वरना अगर कोई तवील आयत नादिल होती तो शायद वाकई उनकी रान की हड्डी टूट जाती वजन अभी भी बाकी है कुरान का लेकिन अल्लाह ताला ने उसका एहसास उठा लिया है वरना अगर उसका एहसास बाकी रहता तो बच्चे क्या बड़े मुत्तकी परहेजगार अलिया कामिलीन अपनी जबान से और आन का एक लफ्ज़ ज़्यादा न कर पाते इतना मुश्किल होता कुरान को पढ़ना इतना मुश्किल होता कुरान पाक की तिलावत करना और अल्लाह ने कुरान को इसलिए उतारा है कि उसे पढ़ा जाए उसको समझा जाए उस पर अमल किया जाए उसमें गौर र फिक्र किया जाए अल्लाह ताला खुद हैरत के साथ फ़रमा रहे हैं अफ अला तदब्बर क़ुरआन इन लोगों को क्या हो गया है ये कुरान में गौर ़ोर फ़िक्र नहीं करते कुरानी आयात को बयान करके अल्लाह ताला जगह जगह फ़रमाते हैं क़िल्ल तफ़्रन लोग हमने ये उतारा है ताकि लोग गौर फिक्र करें ताकि लोग समझें ताकि लोग इसको, इसके, और को जाने इसके लिए एहसान वसल्लम के लिए थोड़ा सा वजन बाकी रखकर इसको अमलन दिखा दिया कि देखो ये वज़ ये कुरान वज, है इतना वजनी तो यह है इसका जाहरी वजन लेकिन इसका मानवी वजन तो बाकी है इसीलिए जो शख्स कुरान को पढ़ता और पढ़ाता है मर्द हो या औरत और फिर इखलास के साथ उस पर अमल भी करते तो जो शख्स कुरान को पढ़ता पढ़ाता है मर्द पढ़े या औरत पढ़े और उस पर इखलास के साथ अमल भी करते हैं तकवे की ज़िंदगी भी गुजारते हैं अल्लाह ताला उसको एक मानवी वज़न अता फ़रमाते हैं जिसको हर इंसान अपने दिल में महसूस करता आप देखें Allah के नेक और मकबूल बंदों का एहतराम हर दिल में होता है हती कि गैर मुस्लिम के दिल में भी हो जो उनको नहीं जानता उसके दिल में भी उनके लिए एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं सिर्फ़ शक्ल देख कर सिर्फ सूरत देख कर के सिर्फ़ उनके पास थोड़ी देर बैठ कर के उनकी मुहब्बत दिल में आती है उनका अदब करने का दिल चाहता है उनकी बात गौर से और तवज्जो से सुनने का दिल चाहता है और बात दिल में उतरती है दिल उसे तस्लीम करता है दिल इसे कबूल करता यह क़ुरान पाक का मानवी वज़न है और ये वज़न पूरा पूरा नज़र आएगा क़्यामत के दिन जब इंसाफ़ का तराजू लगाया जाएगा व नमवजी फ़ला तुदनफिया जब अल्लाह की तरफ से इंसाफ़ का तराजू लगाया जाएगा उस दिन पूरा पूरा वज़न नज़र आएगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं जो मुअल्लिम हैं जो अल्लाह की किताब की तालीम का काम करते हैं उनके अमाल का वज़न सारी दुनिया देखेगी रश्क के साथ देखेगी हसरत के साथ देखेगी यही यहीमल हमने भी किया यही यहीमल इन्होंने भी किया लेकिन इनका अमल कितना वज़नी है ये कुरान पाक का वज़न होगा तो अल्लाह ताला इस कुरान की अहमियत लोगों को बतला रहे हैं समझा रहे हैं कि अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है और इसके ज़रिए अल्लाह ने तुमको कितना बुलंद मकाम व मरतबा आता फरमाया है लेकिन शर्त यह है कि उस पर अमल भी हो अमल में खनास भी हो और अल्लाह के लिए अमल किया जाए दुनिया का कोई मकसद न हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कुरान पढ़ता पढ़ाता है दुनिया की लालच में अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं देंगे जाना तो दूर की बात है मजा तो दूर की बात है उसे जन्नत की हवा भी नहीं लगेगी जन्नत की खुशबू भी नहीं लगेगी अल्लाह ने जिसके लिए जितनी नेमतें मुकद्दर की हैं वो तो उसे मिल करके रहेंगी लेकिन अल्लाह ये चाहते हैं कि दीन का हर काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो तो जो कुरान को पढ़ता है पढ़ाता है उस पर, पर अमल करता है अखलास अपने अंदर पैदा करता है हर वक्त अल्लाह को याद करता है अपनी ज़िंदगियों को गुनाहों से ख़ाली करता है वो मर्द हो या औरत हो अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी एक वज़न अता फ़रमाते हैं दुनिया में अल्लाह ताला उसको एक ख़ास वक़ार अता फरमाते हैं दिलों में उसके लिए एहतराम पैदा फ़रमाते हैं दिलों में उसके लिए मोहब्बत पैदा फ़रमाते हैं उसके दिल को अल्लाह अपनी मुहब्बत से भर देते हैं और क़्यामत के दिन अल्लाह ताली उसको दूसरी दूसरे तमाम इंसानों के लिए काबिल रश्क बनाएंगे ऐसे इंसानों को पयामत के दिन सहबत नसीब होगी अम्बिया करामलात वसलाम की और इमाम्बिया सैदना महमदर रसोल की अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फ़रमाए इसलिए यहाँ जितने हज़रा मौजूद हैं जितने मर्द मौजूद हैं जितनी ख़वातीन मौजूद हैं या जहाँ जहाँ तक भी अल्लाह की तोफ़ी से यह आवाज़ पहुँचेगी अभी पहुँचे या बाद में पहुँचे सब को यह नीयत कर लेनी चाहिए इन अब हम खुद भी और अपने बच्चों को भी दीनी तालीम से महरूम नहीं करेंगे बड़ों के लिए भी अल्लाह ताली ने इंतजाम किए हुए तालीम बालिगान के भी इंतजाम हैं जहाँ नहीं हैं वहाँ कोशिश की जाए कि हो जाए बड़ों के लिए भी इंतजाम हो कि अगर बचपन में दीनी तालीम नहीं हासिल कर सके थे तो कम अज़ कम जरूरियात दीन की का काम हासिल हो जाए हमने अपने यहाँ खानक की सरपरस्ती में बाकायदा बड़ों के लिए एक ऑनलाइन मदरसा क़ायम कराया हुआ है ताकि कम अज कम इतनी अरबी ज़बान आ जाए कि कुरान पाक को नमाज़ में समझ कर पढ़ने लगें जो दुआएँ मांगते हैं अल्लाह ताला से उनको समझने लगे चाहे वो बहुत अच्छी अरबी बोल न सकें चाहे वो बहुत अच्छी अरबी लिख न सकें लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है उस मेहनत के नतीजे में वो वद्र ज़रूरत अरबी बोल भी लेते हैं लिख भी लेते हैं इतना फ़ि का इल्म हासिल हो जाए इतना अहादी मुबारक का इल्म हासिल हो जाए कि ज़िंदगी अल्लाह की रहनुमाई की रोशनी में गुजरे इंसान के के साथ हर आवल करे कि मुझे अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने इस मौके पर ये करने का हुक्म दिया है और इस काम से रोका है इसकी फ़िक्र पूरे मुल्क में होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही है जहाँ जहाँ हो रही है अल्लाह ताला कबूल फरमाए जहाँ नहीं हो रही अल्लाह वहाँ भी तोफ़ी का तफ़ा औरतों के लिए भी इसकी फिक्र होनी चाहिए जो बड़ी उम्र की ख़्वीन हैं उनके लिए भी निज़ाम बनना चाहिए कि उनको भी ज़रूरियात दीन का इलम हासिल हो और जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो और ज़रूरत का जो भी इम हासिल करें वो स्कूल में पढ़ें वो कोई कोर्स से करें वो डॉक्टर और इंजीनियर बने वो सरकारी ऑफिसर बने या वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में महारत और कमाल पैदा करें लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि वो दीन का इल्म भी हासिल कोई तालब इलम ये तो नहीं कहता कि मैं आजकल पढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने खाना बंद कर दिया है जब मैं पढ़ चुकूँगा तब खाना खाऊँगा भाई पढ़ना अलग चीज़ है खाना खाना अलग चीज़ कोई तालिब में ये नहीं कहता ये मेरा तालब इलमी का ज़माना है इसलिए मेरे पास सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है मेरा पाँच साल का कोर्स है उसके बाद मैं सोऊँगा। कोई पढ़ना भी ज़रूरी है सोना भी ज़रूरी है मुलाजमत करना भी ज़रूरी है कोई मुलाजिम यूँ नहीं कहता मैं ऑफ़िस में इतना मसरूफ़ रहता हूँ मुझे बीवी बच्चों को देखने का वक्त नहीं है वो ऑफिस का काम भी देखता है बीवी बच्चों को भी देखता है जिस तरह इन सारी चीज़ों को हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में जमा करते हैं इसी तरह हम भी जमा करें दुनिया का इलम भी हो दीन के भी इलम की कोई तकसीम नहीं है ये भी हमारी ज़रूरत है ये भी हमारी ज़रूरत है ये हमारे जिसम की ज़रूरत है वो हमारे रूह की ज़रूरत है जिसम की जितनी अहमियत है उसकी ज़रूरतों की भी इतनी अहमियत है रोह की जितनी अहमियत है उसकी जरूरतों की भी अहमियत है तो रूह से मुतिक जो है उनकी अहमियत रूह के बराबर है जिसम से मुतल जो ूमू है उनकी अहमियत जिसम के बराबर है बहरहाल अहमियत दोनों की है किसी की कम किसी की ज्यादा हमारे यहाँ मामला उल्टा हो गया है हमने अचूक रूह नजर नहीं आती इसलिए हमारे यहाँ रूह की जरूरतों की अहमियत घटा दी गई है और जिसम की जरूरतों की अहमियत बढ़ा दी गई है हालांकि जिसम कब तक माँ के पेट से पैदा होने के बाद से कब्र के पेट में जाने तक है जिसम की ज़रूरतें उसके बाद जिसम की ज़रूरतें खत्म हो जाएंगी रूह की ज़रूरतें पहले भी थी बाद में भी रहेंगी रूह तो हमारे दुनिया में आने से पहले भी थी ना अल्लाह ताला ने फरमाया वही शादा क्या तमाम औलाद आदम को जमा करके उनसे एक अहद लिया था यहद रूह से लिया गया था रू पहले से मौजूद थी इसलिए कि दुनिया में तो यह कभी लिया नहीं गया और मरने के बाद भी रूह की ज़रूरतें बाकी रहेंगी अल्लाह के रही है इसी तरह चलता रहे अल्लाह ताला इसमें और दिन दूनी रात चोगनी तरक्यात के फ़ैसले फ़रमाएँ जिन बच्चियों ने पढ़ा है वो भी इसकी कोशिश करें कि जो पढ़ा है उसको याद रखें बराबर उसका मताला करें उसका मुजा करें उस पर अमल करें अखलास के साथ और ये समझें कि हमारी दोहरी ज़िम्मेदारियाँ हैं कल को इन शाला ये बच्चियाँ जब माएँ बनेंगी अल्लाह ताली उनको बहुत अच्छे बाबरकत रिश्ते आता फ़रमाए महब्बत के माफौ में अल्लाह तुको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका आता फ़रमाए तो उनके गोद में जो बच्चे बनेंगे वो अपनी ज़िम्मेदारी समझे ये बच्चे हमारे पास अल्लाह की अमानत होंगे हमें अपनी नस्लों की भी दीनी तरबियत करनी है और हमें अल्लाह का पैगाम जहां तक मुमकिन हो दूसरों तक भी पहुंचाना है। ये इतनी बड़ी नेमत है इतनी बड़ी नेमत है। इंसान को इसकी कदर वकीमत बतलाने के लिए अल्लाह तरमाया लौलनादर आला जबल कि अगर हमने इस कुरन को किसी पहाड़ पर उतार दिया होता लड़ाई तू खशियाम तसद अमिन ख़शियत कि तुम देखते कि वो अल्लाह के डर से पहले दब जाता फिर फट जाता इसको एक आमली नमूने के ज़रिए समझें एक प्लास्टिक की थैली में पानी बली अब उसको रख दीजिए एक जगह उसके ऊपर एक किलो का वजन रख दीजिए तो क्या होगा थैली दबेगी एक किलो और रख दीजिए अब क्या होगा जब किसी चीज पर बोझ ज्यादा पड़ता किसी जिस्म पर जब बोझ उसकी शकस से ज्यादा पड़ता है तो पहले वो जिस्म दबता है फिर फटता है लड़ाई तु खशियत अल्लाह ने फरमाया अगर हमने किसी पहाड़ पर पहाड़ से ज्यादा ताकतवर कोई जिस्म नहीं होता इस जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर मखलूक पत्थर है सबसे ज्यादा सख्त मखलूक पत्थर है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पत्थरों पर पहाड़ की चट्टानों पर ऊंचे से ऊंचे ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर अगर हमने इस कुरान को उतार दिया होता तो तुम अपनी आँखों से देखते कि अल्लाह के डर की वजह से वो कुरान पाक का वजन बर्दाश्त न कर पाता पहले दब जाता फिर बढ़ जाता वह तिलोरी हमें ऐसा करना नहीं था हमें तुम्हें यह दिखाना नहीं था हम तो तुमको समझाने के लिए ये बातें बतला रहे ये मफहम है विलकलनास हम तो तुमको समझाने के लिए ये बातें बतला रहे हैं ताकि तुम समझो तुम गौर करो इन बातों में तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम अल्लाह के एहसान मंद बनो कि अल्लाह तला ने तुमको कितनी बड़ी नेमत आता फरमा दी है और उसकी कितनी कदर करने की ज़रूरत है अल्लाह इसकी कदर मुझे भी आता फरमाए आपको भी आताफ उसके लिए मेरे लिए मेरे दोस्तों उसके लिए पहली शर्त यह है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियों से खाली हो हमारी ज़िंदगी गुनाहों की गंदगी से मुकम्मल खाली हो हमारे दिल में अल्लाह की रजा के सिवा दूसरा कोई जज्बा ना हो इसी को अखलास कहते बस जिस दिल में सिर्फ़ एक जज्बा हो कि मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए दूसरा कोई जज्बा ना हो ऐसा नहीं है कि अगर दिन में दुनिया की लालच ना हो तो दुनिया न मिलेगी जो अल्लाह ने मुकद्दर किया वो मिलेगी और ऐसा भी नहीं है कि अगर दिल में लालच है तो मुकद्दर से ज़्यादा मिल जाएगी लालच के बावजूद मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलती लेकिन अमल की कीमत ख़त्म हो जाती है और लालच न होने पर जितनी मुकद्दर है उससे कोई रोक नहीं सकता लेकिन अमल की क़द्र कीमत बाकी रहती है तो अल्लाह ताला हमें हर नेकमल का मिल इखलास के साथ करने की तौफीक अता उसके लिए हम सब फिर से एक मरतबा ये नियत कर लें कि अल्लाह आज तक हमसे जितने गुनाह हो गए हमें माफ़ फरमा दीजिए हम सच्ची पक्की तौबा कर रहे इसी नियत के साथ मर्द भी और ख़वान भी तौबा के कलिमत पढ़ लें और आइंदा के लिए नियत करें इन कि अब जान बूझ कर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे अब जान बूझ कर कोई गुना नहीं करेंगे पहले हम ये समझ लें गुनाह कहते किसे गाह कहते हैं अल्लाह का हुक्म तोड़ने को और नबी का तरीका छोड़ने को हम में से हर एक बड़ा मुतमिन रहता है मैं कोई गुनाह नहीं करता अब जरा अपना जायजा लें हम अपनी जिंदगी में अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ तो नहीं रहे अगर तोड़ रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं ना नबी का कोई तरीका जान बूझ कर छोड़ तो नहीं रहे अगर छोड़ रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं ना और गुनाह के साथ नेकियों की हैसियत ऐसी है जैसे सुराख करके कश्ती दरिया में चलाई जाए तो भाई दरिया पार करना है उसमें बैठ गए हैं पार करने के लिए दो चार सुराख हैं तो वो कश्ती दरिया पार कर सकेगी या अपने सवारों को लेकर के डूब जाएगी ये जो हमारी जिंदगी में गुनाहों के छोटे छोटे सुराख होते हैं ये हमारी नेकियों की कश्ती को डुबा देते हैं। क्या है हमारी नेकियों की कश्ती हमारी नमाज़ें हमारे रोज़े हमारे उम्रें हमारे हज हमारी कुर्बानियां हमारी जक़़त हमारे सदक़ात खैरात मस्जिद बनाना मदरसा बनाना बेवाओं की यतिमों की मदद करना ये सब हमारी नेकियों की कश्ती है गोया हमारी कश्ती के ये सब तख्ते हैं जिनके ज़रिए हमारी नेकियों की कश्ती तैयार होती है जो हमारा बेड़ा पार करे जो हमें उस पार पहुँचाए और साथ में हमने गुना किए हुए कहीं बदनिगाही का गुना है कहीं झूठ का गुना है कहीं सुन्नत को मामूली समझने गए सुन्नत ही तो है क्या फ़र्क पड़ता है ये समझो सुन्नत सुन्नत है उस पर अमल करना फर्ज नहीं है लेकिन सुन्नत को मामूली समझना कभी कभी कुफर बन जाता है सुन्नत को हकीर समझना कभी कभी इंसान को ईमान से महरूम कर देता है तो सुन्नत को मामूली समझना ये भी बहुत बड़ा गुना है दिल का गाफ़िल होना अल्लाह की याद से ये भी बहुत बड़ा गुना है अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी तमाम गुनाहों से ख़ाली हो जाए इसी नियत के साथ तोबा के इन कलमात को पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला महमदरसोल्ला सल वस आमंत तुबिल्ला व मलाईकती वतुबही व रसोलही वलूमिल आख़िरी वक़दरी खैरि وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب

अल्लाह इस वक्त हमारे जमा होने को कबूल फ़रमा लीजिए उठने से पहले हमसे राज़ी हो जाइए हमारी मकफरत फरमा दीजिए अल्लाह इस मदरसे को कबूल फरमाइए इसकी तमाम ज़रूरियात की गैब से किफ़ालत फरमाइए अल्लाह पढ़ने वालों को पढ़ाने वालों को पढ़ने वालियों को पढ़ाने वालियों को ताउन करने वालों को निज़ाम चलाने वालों को महब्बत करने वालों को सब को अपने नेक व मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फ़रमा लीजिए अल्लाह सब राजी हो जाइए सब अपने दीन का काम ले लीजिए अल्लाह हमारी दुनिया की ज़रूरतें भी पूरी फरमा दीजिए आख़रत की ज़रूरतें भी पूरी फरमा दीजिए अल्लाह जिस्मानी रूहानी तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाइए अल्लाह गुजशत ज़िंदगी में जो गुनाह हुए उन्हें माफ़ फरमा दीजिए बची हुई ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए आने वाले वक्त को पिछले वक्त से बेहतर बना दीजिए अल्लाह उठने से पहले हम सब से राज़ी हो जाइए हम सब को अपने नेक व मकबूल बंदों और बंदियों में शामिल फ़रमा लीजिए अल्लाह सब की जायज़ तवन्नाएँ और मुरादें पूरी फरमा दीजिए वसल وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رحم الله